मातृभाषा शिक्षा क्लास को स्वागत पिला माने आमे बड़पण कविताटी पढ़ीले कवि राधानाथ राय आज आम पढ़ा द्वितीय भाग तुमने केते मन रखिच किसी प्रश्न मु पचारुची जलधारार धर्म कौन ना जलधारार धर्म निम्नगामी कांडपृष्ठ हुंडा क्या कह जाए कांडपृष्ठ हुंडा बोली शस्त्र व्यवसायी को कह जाए प्रजा मानक मध्ये किए पाप वृद्धि को मनासुथिले कविंक समय राजा जमीदार माने प्रजांक मध्ये पाप वृद्धि को मनासुथिले आमे नेक्स्ट को जीवा तीन मार्किया क्वेश्चन राजा प्रजा एवं हेले बाजपारा केउ प्रसंगरे कह जाए आमे तीन नंबर संबलित प्रश्न उत्तर लिखला बेले प्रथम लिखा कविंकर ना कवि राधानाथ राय कविता बड़पण उत्कलर पूर्व सम्राट माने तांकर प्रतिपदी को बजाय रखिथिले मात्र वर्तमान राजा प्रजा माने दरबारी रे उपस्थित थिबा उत्कलर राजा एवं प्रजा माने एबे बाजो पारा परी खाद्य खादकर संपर्क छंचाणा जेपरी पारा को आक्रमण करी तार मृत्यु को कारण मृत्युर कारण होइथाय सेहिपरी राजा माने प्रजा को शोषण करी सेमानकु दुखी दरिद्र करि देथिले राजा और प्रजा मानक संपर्क मध्य प्राचीन संपर्क किपरी दुई नंबर संबलित प्रश्न प्रथम आम लिखा कवि राधानाथ राय कविता बड़पण अतीत उत्कल राजा और प्रजा मानक संपर्क पितापुत्र पर समग्र प्रजा को तांको निज परिवार मन करते प्रजावत्सल पुत्रवत प्रजा मानक स्नेह करुले दुई नंबर संबलित प्रश्न एबे आमे जीवा परवर्ती अध्याय को तापरे पढ़िबा पड़ित रहिले पछे हाथी घोड़ा पड़ित रहिला सुना रूपा तोड़ा पड़ित रहिले सेमाने तांको जीवन काल मध्यरे अर्जन करितिबा समग्र संपत्ति हाथी घोड़ा सुना रूपा तोड़ा माने मेंचा मेंचा सुना रूपा सबुकु सबु किछि पड़ी रहिला पड़ित रहिला रतने भास्वर कुबेर भंडार सम गंता घर आउ कौन पड़ी रहा रत्न भासुरला उज्जवल कुबेर समान सम गंता घर कुबेर भली समला भली बा तुल्य गंता घर से भंडार घर कुबेर भली से धनर भंडार घर मध्य सब सेमती पड़ रहा ताहले मनीष संसार रे जीवन अतिवाहित करने समय कौन कौन सब पड़ रहा ना हाथी घोड़ा सुना रूपा रत्न एवं कुबेर भंडार तुल्य गंता घर सब पड़ रहा जीणवाक आई धराखंड बोली कले जेहु अश्रुसिक्त गंड जीणवाक जय करने को धराखंड पृथ्वीर किसी अंश पृथ्वीर टिके भी अंश अश्रुसिक्त अश्रु है लुह सिक्त है ओदा गंड है गाल यणकर उक्ति को उद्धार करक्ति जनक विश्वविजयी आलेक्जाडर विश्वविजय आलेक्जाडर जितेबाला समग्र विश्व जय कर सारी जय करने आरार पृथ्वीर टिके भी अंश बाकी ना समग्र विश्व को से जय कर सारी तेणु से समुद्र कूल में बस दिने अश्रु झराई गाल अश्रुए लोतक लुहरे गाल ओदा हो जाता से लुह झराई कहते आउ तो खंडे हेले धरार खंडे अंश मध्य जगह ना कौन आउ जय करी कौटी युद्ध करी मु दिग्विजयी हेबी आउ जितवा को आउ विजयी हेबी मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कि कही चिते थरे थर मला बेले विश्व विजयी स्कंदर कवि एठारे आलेक्जाडर को स्कंदर बोली कहते विश्व विजयी स्कंदर माने विश्व विजयी आलेक्जाडर मला बेले कौन कही कि कही माने कौन कही चिते थरे धर ताते मन पकाओ चितेला मनरे थरे मनरे धर बा मन पकाओ बोले ए प्राण गले पिंड छाड़ी से कौन कही ए प्राण पिंड रु छाड़ी चली गले पिंड है शरीर नेब जेबे मते कोकेरे काढ़े अर्थात जितेबले मु मरीजी से मोर मते कौन करिब कोकेरे काढ़ी नेब कोके माने कौन सबाधार मोर शब को सबाधार रे नहीं सुवाई देव दे ही मो शब सुवाई एवं से सबाधार रे मो शब को मो मृत शरीर को सुवाई दे थी बेनी पासे बेनी कर को झुलाई
बेनी हेला दुई पासे हेला पार्श्वरे बा पाखरे दुई कड़रे बा दुई पार्श्वरे बेनी कर माने दुई हाथ को झुलाई देथिबो जादेखि जानिबे जगते समस्ते आसी थिली फेरी गली शून्य हस्ते जा देखि जहाँ को देखि जगतर समस्ते जानिबे शून्य हस्तरे आसी थिली शून्य हस्तरे फेरी गली। तले अलेक्जेंडर कौन कही विश्वविजयी अलेक्जेंडर मृत्यु पूर्वर कौन कही ये उत्तर आसब तीन सौ नंबर संबलित कवि लेखा लेखकों नाम सहित लिख विश्वविजयी अलेक्जेंडर अश्रुषिक्त गंड करी आउ जीणवा को धराखंड ना किंतु जगतर सबू लोक मन पकवाई मोर गोटे कथा मन पकईदेव जे जिते बड़े मरीजी मोर शब को लेकिन कोकेरे सुवाई देव एवं मोर दुई हाथ को दुई पार्श्वरे झुलाई देव जहाँ को देख समस्ते जानवे जे मु खाली हाथ में आसी पुणी खाली हाथ में फेरीगली ए हाथ दीटा झुली रही हाथ में किसी नहीं जाए ना एत दिग्विजयी विश्व को विजय करते धनरत्न संपत्तिर अधिकारी हो मत कि भी नहीं ना यह तार उत्तर यही महावाक्य मने मने हेजी सत्वगुण भज लोभ मद तेजी यही महावाक्य को महावाक्य आसी फेरी गली शून्य हस्ते यही महावाक्य को मने मने हेजी मजी है गुणी बा झुरी बा मने पकाई यही महावाक्य को मने पकाई सत्वगुण भज लोभ मद तेजी तीन टा गुण अच्छी सत्वगुण रजगुण एवं तमगुण ये तीन गुण मधुर सत्वगुण हूँ श्रेष्ठ गुण सद्गुण दैवी गुण जोटा ताको सत्वगुण कहा जाए जो थे लोभ मोह काम क्रोधर बहु ऊर्धर थाए दैवी गुण एवं रजगुण है राजसिक गुण एवं तमगुण है पाशविक व आसुरिक गुण तेणु कवि ये कहते सत्वगुण को भज से सत्वगुण को तुम्हें लाभ कर आउ कौन त्याग कर तेजी मैंने त्याग करवा कौन त्याग कर लोभ मद से लोभ एवं मंद गुण को त्याग कर अकारणे किंबा तंडी अरक्षित अकारणे बिना कारण रे किंपा हला काहिंकि तंडी हला दंड दे दंडी अरक्षित असहाय अल्प दिन पई सचुअच वित्त वित्त हला संपत्ति से असहाय लोक मानकु दंडी तांको ठारु काहिंकि बिना कारण रे अल्प दिनर जीवन रे ए संपत्ति को संचय करुछ से दुखी दरिद्र मानकु तंडी धन संचय करिवार लाभ कोन अल्प दिन तुमर से जीवन बोलाओ जगते सिना लक्ष्य पोषी फले तुम्हें जड़े जड़े लक्ष्य शोषी तुम्हें सिना जगत रे निजक लक्ष्य पोषी बोली कह लक्ष लक्ष लोक पोषण कैजे लक्ष लक्ष लोक पोषे जे राजा तुम्हें सिना निजक लक्ष्य पोषी बोली बोलाओ कवि क्या उद्देश्य कहते ना दरबार में उपस्थित थोड़ा राजा एवं जमीदार प्रकृत में तुम्हें लक्ष्य पोषी नुहे तुम्हें जड़े जड़े लक्ष्य शोषी तुम्हें लक्ष लक्ष लोक शोषण करुछ ताले कवि क्या लक्ष्य पोषी बोली कहते दरबार में उपस्थित थोड़ा राजा एवं जमीदार मानू लक्ष्य पोषी बोली कवि कहते से लक्ष्य पोषी नुहति से मैंने लक्ष्य शोषी गणिका वकिल छामुआ पोषण लगी कर किंपा प्रजा को शोषण गणिका रूपजीवी देहजीवी बेस्या वकिल छामुआ कानकुआ यही जो मंत्री कानकुआ मंत्री एवं वकिल गणिका ए मानक पोषण करने पोषापी तुम्हें कौन कर प्रजा को शोषण कर तुम्हें प्रजा मान कहीं शोषण करुछ प्रजा मान शोषण कर प्रजा मान स्वदार्जित धन को आनी गणिक वकिल छामुआ मान कहीं पोषण करुछ प्रजा रक्त स्वेद लोतके अर्जित अभिशप्त राशि राशि पापवित प्रजा मान रक्त स्वेद एवं लोतक अर्जित लोतक है अश्रु बा लुह स्वेद है झाड़ रक्त स्वेद झाड़ लोतक है लुह रे अर्जित अर्जन करुवा अभिशप्त राशि राशि पापवित राशि राशि पापधन को तुम्हें संचय करुछ एठारे जमीदार एवं राजा माने किपरी पापवित अर्जन करुछंती बोली कवि कहते प्रजा मानकर रक्त स्वेद एवं लोतक अर्जित राशि को पापवित को जमीदार एवं राजा माने अर्जन करुछंती बोली कवि कहते प्रायश्चित व्यय नकरी जतने
ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପା ଜିତ ଧନେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ ବି ତ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖୁଛ। ଲୋକମାନେ ପାପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାପବିତକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପାପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ ଅର୍ଜୁ ଅଛ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ସିନା କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍କୃତ ପାପ କେବଳ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘିଅକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନ ଢାଳି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରି ତୁମେ ସେଇ ଘିଅକୁ କେଉଁଠି ଢାଳୁଛ ନା ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଢାଳୁଛ। ଆରେ ଘିଅକୁ ସିନା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଏ ଘିଅକୁ ଢାଳିଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ? କେବଳ ପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ତୁମେ ସେଇଭଳି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘିଅକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନ ଢାଳି ତୁମେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢାଳୁଛ। ଏଠି ଘୁଷୁରୀ କିଏ? ଏଇ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟରେ ତୁମେ ଛଳନାକୁ ନ ଧରି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଶ୍ରେୟକୁ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ନିଜର କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହାକୁ ଥରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଏ ଛଳନାକୁ ତୁମେ ଧର ନାହିଁ ମନରେ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁଆହା ସଲିଳ ଜେସନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁ, ଭଗ୍ନ ହେଲା ଭଙ୍ଗା, ଘଟୁ ହେଲା ଘଟରୁ ବା କଳସରୁ, ସଲିଳ ଜଳ, ଜେସନ ହେଲା ଯେପରି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଯେଭଳି ଜଳ ବା ପାଣି ସରି ସରି ଆସେ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଉପରେ ଛାମୁଡ଼ିଆ ପୋତା ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଳସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ କଣା କରାଯାଇ ତଳେ କୁଶଟିଏ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କଳସରେ ପାଣି ଦିଆଗଲେ ଠୋପେ ଠୋପେ କରି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ପଡ଼େ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଣି ମାଠିଆରୁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଫୁଟା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ସରି ସରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ଶରୀରକୁ କବି ଭଗ୍ନ ଘଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆୟୁଷକୁ ଜଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଜଳ ଝରି ଝରି ସମଗ୍ର ଜଳ ସରି ଘଟଟି ଖାଲି ହୋଇଯାଏ, ସେହିଭଳି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆୟୁଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କମି କମି ଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୋଟେସନ୍ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରିବ କୋଟେସନ୍ଟିକୁ। ଭଗ୍ନ ଘଟୁଆହା ସଲିଳ ଜେସନ ସରି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବଡ଼ କ୍ରୁରକାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। କ୍ରୁର ନିଷ୍ଠୁର, କାଳ ଯମ, କାଳ କାଳ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କାଳ ହେଲା ଯମ, କାଳ ହେଲା ସମୟ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଠି କାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କ୍ରୁର ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି? କାଳକୁ। କାହିଁକି କ୍ରୁର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ହାବଡ଼ି ଯିବ ସେ ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି, ହାବଡ଼ି ଯିବ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଚମ୍ବିତେ, ହଠାତ୍ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କବି କାଳକୁ କ୍ରୁର ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, କବି କାହାକୁ କ୍ରୁର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣି କାଳକୁ ସେ ହସେ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରରେ ଥିବା ଜାଣି କାଳକୁ ଯେ ହସେ, ଯେ କାଳ ଉପରେ ହସେ, କାଳ ଚମକୁ ହସେ, ଯେଉଁ ଲୋକ କାଳ ତା'ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ହସୁଥାଏ, ହସି ସେ ତା ପଛେ ଆସି ଲୁଚି ବସେ, କାଳ ତା ପଛରେ ଆସି ଲୁଚିକିରି ବସିଥାଏ ହସି ହସି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାବେ ଏବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିନି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖରୁ ଅଛି, ଏବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ହୋଇନି, ତା ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଯମ
ହସି ହସିକରି ଲୁଚିକି ବସିଥାଏ। ନୀତି ବେଳ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ନୀତି ନୀତି ହେଲା ନିୟମ, ବେଳ ସମୟ ବୁଝି ଛାମୁରେ ହାଜର, ଛାମୁରେ ହେଲା ସମ୍ମୁଖରେ। ସେ ନିୟମ ସମୟ କିଛି ବୁଝିକିରି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର। ଗୋଚର ମାନେ ଜଣା, ବିଧି ହେଲା ନିୟମ। ତାକୁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା ତା କାହାକୁ ଜଣାନଥାଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତିନି ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। କବି କାହାକୁ କ୍ରୁର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ? ଏଇଠି ତା'ର ଉତ୍ତର। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେଓନ୍ତି ମବଳ। କେତେ ଦିନ ତୁମ ଏହିପରି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ, ଛଳନାର ଖେଳ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଖେଳୁଥିବ? ତୁମର ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ନିତ୍ୟଗାମୀରଥ ଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ଆସୁଛି ନୀରବେ ନିଶବ୍ଦରେ, ନିହିଯୁକ୍ତ ରବ ନୀରବ। ସେ ନିଶବ୍ଦରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ନିତ୍ୟଗାମୀ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଥିବା ରଥ, ରଥ ଯେପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ରଥର ଚକ୍ର ଯେପରି ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଥାଏ ସେଇଭଳି ସେ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି, ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କିଏ? ସେଇ କାଳ, ସେଇ ଯମ। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି, ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ, ତୁମର ମାୟା ରୂପକ ଛାୟା ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଛାଇ ଠିକ୍ ଆମର ପାଦ ତଳେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ଯେତିକି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ, ଆମର ମାୟାରୂପକ ଛାୟା ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତା'ର ମାୟାରୂପକ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସାଂସାରିକ ମାୟା ମୋହ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି, ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଏ ମାୟାରୂପକ ଚେର ଯେତିକି ଯେତିକି ତଳକୁ ଭେଦୁଥିବ, ଗଛର ଚେର ମାଟି ତଳକୁ ଭେଦିଥାଏ, ଛୋଟ ଗଛର ଚେର ଅଳ୍ପ ମାଟି ତଳକୁ ଭେଦିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଚେର ଦେଖିଥିବ ମାଟିର ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ ମାଟିର ଗଭୀରକୁ ଭେଦ କରିକିରି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଣିଷର ଯେତିକି ଯେତିକି ଆୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତା'ର ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ସେତିକି ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି, ତା'ର ସାଂସାରିକ ମୋହ ମାୟା ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ବଡ଼ ଗଛକୁ ଝିଙ୍କି ଟାଣିକି ଆମେ ଯେମିତି ଉପାଡ଼ିଥାଉ, ଛୋଟ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିଦେଲେ ଭୁସ୍କିରି ଉପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଛ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଏ, ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଦେଇ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଝିଙ୍କୁ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ତକ ହେଲା ଯମ। ଯମ କ'ଣ କରେ ନା ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇ ତୁମକୁ ଝିଙ୍କିକିରି ନେବ, ଟାଣିକିରି ନେବ। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର, ଲାଭ ଲାଗିବାକୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ କଠିନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କବି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତା'ର ଉତ୍ତର? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖା କରମ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ? ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖା କରମ। ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଏ ସଂସାରରେ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ସଂସାରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କର୍ମ କରିଚାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ ପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଜନ୍ମ ଫଳେ, ଜନ୍ମ ଫଳରେ ତୁମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ, ଜନ୍ମ ଫଳରେ ତୁମେ ଭବେ ବା ସଂସାରରେ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ପଣ ମହାନ ଥିଲା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଏ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର, ତାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କର। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ହେଲା ବିଧାତା ବା ଈଶ୍ୱର।
ईश्वर धर्म रूपक एक पोत बा जहाज गढ़ी काहीकि गढ़ी तरीबाकु एही संसार बारिदी ए संसार रूपक बारिदी बा समुद्र को अतिक्रम करिबा पाई बारिदी हेला समुद्र संसार रूपक बारिदी बा संसार रूपक सागर को तरीबा पाई बा अतिक्रम करिया पाई विधाता धर्म रूपक पोत गढ़ी धर्म एकासिना महत पणिया आउ बड़पण अढ़े दिनिया धर्म हूँ सबुठारू बड़पण महतपणिया श्रेष्ठ आउ जतक बड़पण सब हूँ अढ़े दिनिया क्षणस्थायी आउ बड़पण माने कौन धन अर्जित बड़पण ये धन अर्जित बड़पण हूँ क्षणस्थायी अढ़े दिनिया कितु धर्म द्वारा अर्जित बड़पण ही प्रकृत बड़पण श्रेष्ठ बड़पण भाई एकासिना से ही छड़ाई के ही जा नपार ये पुणे कवि संबोधन करुं से राजा जमीदार मान उदेश जे भाई से ही प्रकृत बड़पण जहाँ कोई छड़ाई नहीं पारे ना कौ बड़पण कई छड़े नहीं पारे ना धर्म अर्जित बड़पण प्रकृत बड़पण ताकू के छड़े नहीं पारे धर्म को कहीं छड़े पारे कि धर्म को कहीं नहीं पारे कि मनुष्य मला बेले धर्म को सांगरे नहीं जाए धन को सांगरे नहीं जाए ना मनुष्य चली जाए कि धन पड़ रहे पिता अर्जन करथिबा धन पुत्र नाम नामित हो जाए किंतु पिता अर्जन करथिबा धर्म पुत्र नाम नामित हुए ना तेणु कवि कहते बड़पण भाई एकासिना से छड़ाई के ही जा नपार ये नहीं बड़पण से ही अंत्ये सुधा जार सौरभे चहटू थाए संसार से ही बड़पण अंत्ये शेषे मृत्यु पर सौरभ बा बास्ना बा सुगंध चहटू थाए ए संसार से ही प्रकृत बड़पण से धर्म अर्जित बड़पण ही प्रकृत बड़पण जहार बास्ना बा सुगंध मृत्यु पर संसार रे चहटू थाए बड़पणे सिना से ही ताकु गणी जो बड़पण दुईलोक साधनी दुईलोक है स्वर्ग एवं मर्त्य दुईलोक कितु एठारे गलोक कारण जो बड़पण स्वर्गलोकर मध्य साधनी होइथाए धर्म अर्जित बड़पण ही दुईलोक साधनी कवि एठारे धर्म अर्जित बड़पण संपर्क रे केते कथा कहिचंती एगुडिक मने रखिबा तुम्हारे तीन नंबर संबलित प्रश्न आसव दीर्घ उत्तर आसव से ही सिना बड़पण जही लगे अंतकर वज्र दंत जाए भांगी से ही बड़पण प्रकृत बड़पण जहाँपाई जही लगे मानने जहाँपाई अंतकर अंतकर मान जमर वज्र दंत वज्र है कठोर दंत है दात से ही सिना बड़पण जहाँपाई जमर कठोर दात मध्य भांगी जाए अर्थात जम मध्य किसी करें तार से मरी मध्य अमर रहे से ही बड़पणे बड़ाओ मतिकी काल नपार पशिजा कतिकी से ही बड़पण से धर्म अर्जित बड़पण से तुम्हें मन बड़ाओ मत है मन मन को बड़ाओ मन दि काल नपार पशिजा कतिकी कतिक पाखकु जहाँ पाखकु काल बा जम पशिपार ना हेला कर ना पाइए सुविधा लभवा को से ही बड़पण निदा तुम्हें हेला कर ना आउ अलसुआउ ना विलंब कर ना ये सुविधा को पाई ए हाथ छड़ा कने धर्म भगवान तुमको धर्म दे कर्म दे तेणु ये धर्म अर्जित बड़पण को पाई तुम्हें केवे आला कर विलंब कर ना लभवा को से ही बड़पण निदा से बड़पण हूँ निदा से शक्त बड़पण को लाभ करने को से सुविधा को आउ तुम्हें विलंब कर ना हाथ छड़ा कर ना डेरी कर ना संसार त्वक सार बड़पण लाल सारु निय बाहुड़ाई मन संसारर त्वक सार मान मूल्यहीन बड़पण बड़पण लाल सारु बड़पणर लोभरु तुमर मन को बाहुड़े निय संसारर मूल्यहीन बड़पण लालसा कौटा लालस लोभ लालस मान लोभ ताले मूल्यहीन बड़पण क्या कहे ना धन अर्जित बड़पण को त्वक सार बड़पण बा मूल्यहीन बड़पण कहुई से ही बड़पणर लोभरु तुमर मन को फेराई निय धन अर्जित बड़पणरु तुम मन को फेराई निय बोली कवि उपदेश प्रदान करुछंती उदासीन नेत्रे दुनिया रो मन देखी कर मन धर्मे एकतान उदासीन नेत्र रे दुनिया रो मान को दुनिया रो मूल्य को संसार रो मूल्य को देखी तुम मन को धर्म रे एकतान कर धर्म रे एकलय कर अर्थात तुम्हें संसार रो बा दुनिया रो मूल्य एकलय रे धर्म रे मन दिय एवं उदासीन नेत्र रे दुनियार मूल्य को बुझ राजधर्मे आत्म तत्व देमती उच्च हो लभ उच्चतर गति
राजधर्मे। राजधर्म कौन? राजांकर धर्म है प्रजार हित साधन करिबा, प्रजार सुरक्षा देवा, सुख शांति दे पुत्रवत बात्सल्य ममता दे देवा होची राजांकर धर्म। से राजधर्म रे आत्मज्ञान रे तुम मन दियो, से राजधर्म रो आत्मज्ञान रे तुम मन दे निजे उच्च होबा संगे संगे तुम उच्चतर गति मध्ये लाभ कर। पिला माने विषयटी तो सरी जायची। एठी प्रश्न पड़िबा गृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंडघृत केउ प्रसंगरे कुआ जायची बुझाई दियो। तीन नंबर संबलित प्रश्न, कवि राधानाथ राय कविता बड़पण। कवि एठारे दरबार रे उपस्थित थिबा राजा एवं जमीदार मानक उद्देश्य रे कहिचंती, तुमे धन अर्जन करी जो बड़पण अर्जन करबा को जाउछ एवं पाप करी चली छ, केवल पाप ही पाप करी चली छ, घृष्टि मुखे घुसुरी मुखरे घिय ढाली यज्ञ कुंडरे घृतर अर्थ पाप पाप अर्जित धन राजा माने ग्रहण करुछंती एवं घुसुरी मुखरे घिय ढाली बा जहा पाप अर्जन धन ग्रहण करी पाप अर्जन करबा ताहा तेणु ताहा करो नाही बोली कवि कहिचंती। आउ एक प्रश्न पड़िब पिला माने, बड़पण निदा कहिबार यथार्थता विचार कर। कवि राधानाथ राय कविता बड़पण, उत्तर हब बड़पण होची धर्म अर्जित बड़पण, अर्थात धर्म अर्जित बड़पण को प्रकृत बड़पण बोली कहा जाए। बड़पण को ग्रहण कले धर्म अर्जित बड़पण द्वारा आमे जो बड़पण अर्जन करिबा ताहा पाखरे काल पशि पारिब नाही। बड़पण एपरी शक्त बा निदा जे ताहाकु अंतकर वज्रदंत मध्य छुई पारे नाही, तेणु बड़पण को निदा बोली कुहा जायछि। एहि तले तार प्रकृत उत्तर। आज पई एतिकी, पुणी आगामी अध्याय रे।